जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 11 दिसंबर 2016 को प्रथम पाली यानी के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और इसके अंदर कुल क्वेश्चन थे 100। पर जो इस बारी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें इस पेपर में और जो अभी पेपर होने वाला है सिर्फ यही अंतर है कि उस पेपर में 100 क्वेश्चन थे, पर अब जो पेपर होगा इसमें 90 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं पूरे क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट जानकारी। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर है ए। और जो आपका अगला सवाल है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द फर्ज, तो इसका मतलब है ए। यहाँ पर इसका आंसर ए है। आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस चूजिंग वन फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो द सेंटेंस, हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट डैश इफ्यूजल, तो इसका आंसर है बी यानी के टू, टेंटामाउंट टू इफ्यूजल। आपका फोर्थ क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका आंसर है ए यानी कि ब्लेम। पांचवा सवाल है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो इसका आंसर है ए यानी कि सेल्फिश। आपका छठा सवाल है वाक मै का संधि रूप होगा, तो इसका जवाब है सी यानी कि वडम में। और सातवां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो इसका जवाब है सी यानी कि जीवन प्रयत्न। आठवां सवाल है कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका जवाब है डी यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। सवाल नंबर नौ है वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए, प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी यानी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दसवां सवाल है निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो इसका जवाब है सी यानी कि तमिल। ग्यारहवां सवाल है निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, तो इसका जवाब है बी। सवाल नंबर बारह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, तो इसका जवाब है बी यानी कि बुद्धिमान। सवाल नंबर तेरह है अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है, तो इसका जवाब है सी यानी कि 12 माह। सवाल नंबर 14 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब है बी यानी कि 1935 में। सवाल नंबर 15 है राज्यसभा कब भंग की जाती है, सही जवाब है इसका आंसर है डी यानी कि राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। सवाल नंबर 16 है आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गाँव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा, तो इसका जवाब है बी यानी कि कृष्णा। सवाल नंबर 17 है निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है, तो इसका जवाब है सी यानी कि कोलटट्टम। सवाल नंबर 18 है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो इसका जवाब है बी यानी कि मोहम्मद इकबाल ने। और सवाल नंबर 19 है 1901 में पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, तो इसका जवाब है डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। 20वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारक यानी कि अवयव है, तो इसका जवाब है सी यानी कि धीरे से। और दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको आगे के सवाल भी इसी तरीके से बताने वाला हूँ। सवाल नंबर 21 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका जवाब है सी यानी कि श्रीमती। सवाल नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है, तो इसका जवाब है सी यानी कि उज्ज्वल। और सवाल नंबर 23 है अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो इसका जवाब है बी यानी कि बिसंबार। सवाल नंबर 24 है परंपरागत कशीदाकारी कला चिकनकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब है सी यानी कि लखनऊ। सवाल नंबर 25 है कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है,
तो इसका जवाब है डी यानी के बोध। सवाल नंबर 26 है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जवाब है डी यानी के 2 और 3। सवाल नंबर 27 है, गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश बिताना चाहिए, तो इसका जवाब है सी यानी के समाज सेवा में। सवाल नंबर 28 है, डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? तो इसका जवाब है ए यानी के राजा राममोहन राय ने। सवाल नंबर 29 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका जवाब है सी यानी के कलकत्ता उच्च न्यायालय। सवाल नंबर 30 है, वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय है? तो इसका जवाब है ए यानी के त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय। सवाल नंबर 31 है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अधीन आता है? तो इसका जवाब है बी यानी के केरल। सवाल नंबर 32 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब है सी यानी के भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सवाल नंबर 33 है, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टैबो मठ अवस्थित है? तो इसका जवाब है बी यानी के हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 24 है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका जवाब है सी यानी के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। सवाल नंबर 35, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो इसका जवाब है ए यानी के ऑस्ट्रेलिया में। सवाल नंबर 36 है, निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका जवाब है बी यानी के भागीरथी। सवाल नंबर 37 है, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो इसका जवाब है डी यानी के सिक्किम की। सवाल नंबर 38 है, हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो इसका जवाब है बी यानी के इंद्री। सवाल नंबर 49 है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका जवाब है बी यानी के श्री बाबू स्वरूप। सवाल नंबर 40 है, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका जवाब है ए यानी के अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। सवाल नंबर 41 है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है सिवाय, यहां पर इसका आंसर है ए यानी के पंचकुला। सवाल नंबर 42 है, किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो इसका जवाब है ए यानी के मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई? तो इसका जवाब है बी यानी के वर्ष 2006 में। सवाल नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका जवाब है डी यानी के अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 45 है, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है? तो इसका जवाब है बी यानी के गेहूं। सवाल नंबर 46 है, क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए? तो इसका जवाब है सी यानी के पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। सवाल नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? तो इसका जवाब है बी यानी के फूल। सवाल नंबर 48 है, इन राज्य और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो इसका जवाब है बी यानी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। सवाल नंबर 49 है, हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न में से किस भाषा में किया? तो इसका जवाब है सी यानी के हिंदी। सवाल नंबर 50 है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया? तो इसका जवाब है सी यानी के वैट। सवाल नंबर 51 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना JJAY की आधारशिला कहां रखी? तो इसका जवाब है बी यानी के बहादुरगढ़। सवाल नंबर 52 है, यदि चल सकने वाले जानवरों को तैरने वाले कहा जाए, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले कहा जाए, वे जो जल में रहते हैं उन्हें सर्प कहा जाए तथा जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तब एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है सी यानी कि उड़ने वाले।
और सवाल नंबर 53 है, किसी कूट भाषा में BIRIENAC का अर्थ हरा और स्वादिष्ट, PICNARHOR का अर्थ टमाटर हरा है, तथा COCBIRHOR का अर्थ भोजन स्वादिष्ट है होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ टमाटर स्वादिष्ट है होगा? तो इसका जवाब है सी, यानी कि HORBIRPIC। सवाल नंबर 54 है, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जवाब है डी, यानी कि पति। सवाल नंबर 55 है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो इसका जवाब है ए, यानी कि जनवरी। सवाल नंबर 56 है, हरियाणा वन विकास निगम यानी कि HFDC की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है ए, यानी कि दिसंबर 1989 में। सवाल नंबर 57 है, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? इसका जवाब है ए, यानी कि फतेहाबाद में। सवाल नंबर 58 है, पानीपत की लड़ाई की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो इसका जवाब है सी, यानी कि इब्राहिम लोदी। सवाल नंबर 59 है, 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो इसका आंसर है सी, यानी कि मराठों के। सवाल नंबर 60 है, निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है सी, यानी के मानेसर में। सवाल नंबर 61 है, देश की वह प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई है? तो इसका जवाब है डी, यानी के अमरिंदर कौर। सवाल नंबर 62 है, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? इसका जवाब है सी, यानी के गुड़गांव। सवाल नंबर 63 है, RBI के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो इसका आंसर है ए, यानी कि उर्जित पटेल, उस वक्त यही थे। सवाल नंबर 64 है, US राष्ट्रपति के चुनाव 2016 में हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध चुनाव किसने लड़ा? तो इसका जवाब है ए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, और फिर वो जीते भी। सवाल नंबर 65 है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कप्तान ने 2 डबल सेंचुरी की? तो इसका जवाब है ए, यानी कि विराट कोहली। सवाल नंबर 66 है, किसने 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका जवाब है ए, यानी के बॉब डायलन ने। सवाल नंबर 67 है, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2016 को APG अब्दुल कलाम अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो इसका जवाब है ए, यानी के पी समुगम ने। और आपका 68वां सवाल है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड और ICS यूजर्स के लिए प्रारंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका जवाब है डी, यानी कि डुओ। सवाल नंबर 69 है, मानव भूरण और युग्मकों के क्रय और विक्रय के निषेध के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त 2016 को किस विधेयक को मंजूरी दी गई? तो इसका जवाब है डी, यानी कि सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016। सवाल नंबर 70 है, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है बी, यानी के स्वदेश दीपक। सवाल नंबर 71 है, भारत में आजकल किस देश की चीजों का बहिष्कार करने का अभियान पूरे जोश में है? तो इसका जवाब है सी, यानी के चीन। सवाल नंबर 72 है, कबड्डी का वर्ल्ड कप विश्व कप 2016 किस देश ने जीता? तो इसका जवाब है सी, यानी के भारत ने। सवाल नंबर 73 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ? तो इसका जवाब है बी, यानी कि मेहसाणा। सवाल नंबर 74 है, सही विकल्प का चयन कीजिए, पीलियोग्राफी, लिखाई, इथिकोलॉजी। तो इसका आंसर है ए, यानी कि मत्स्य। सवाल नंबर 75, विषम का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है डी। और 76वां सवाल है, दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है जो कि उसी क्रम में निम्न में से किसी एक विकल्प में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, यानी कि CAAA। सवाल नंबर 77 है, किसी कूट भाषा में RIPSLE को 613082 की तरह लिखा जाता है और WIFE को 4192 की तरह लिखा जाता है, उस कूट भाषा में PEWSLE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका जवाब है ए, यानी कि 324082।
सवाल नंबर 78 है, 9 व्यक्ति किसी होटल में गए, उनमें से 8 ने प्रत्येक 3 रुपये भोजन पर खर्च किए तथा 9वें ने 8 के औसत खर्च से 2 रुपये अधिक खर्च किए, उन सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि थी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 29 रुपये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर नहीं हूं, इसी वजह से मैं आपको इन सवालों को सोल्व करके नहीं दिखा सकता। मैं बस आपको सिर्फ जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन दिए गए थे और उनके आंसर क्या थे वही बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन सवालों को आप निकलवाएं, तो आप जहाँ पर भी कोचिंग ले रहे हैं तो आप उन टीचर को बोल करके इन सवालों को निकलवा सकते हो और इनका हल देख सकते हो कि किस प्रकार से ये आंसर आते हैं। सवाल नंबर 59, इसका जो आंसर है वो है सवाल नंबर 79 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि 16। सवाल नंबर 80, विषम का चयन कीजिए, तो इसका जवाब है डी, यानी कि अलंकार 7। सवाल नंबर 81 है, विषम का चयन कीजिए, तो इसका जवाब है डी, यानी कि मानसून। सवाल नंबर 82 है, निम्न में से विषम संख्या युग्म समूह का चयन कीजिए, तो इसका जवाब है डी, यानी कि 16176। सवाल नंबर 83 है, किसी महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि लड़कियों की संख्या 200 हो तो महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो इसका जवाब है बी, 520। सवाल नंबर 84, पी और क्यों की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है, यदि क्यों पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष पश्चात पी और क्यों की उम्र का क्या अनुपात होगा, तो इसका आंसर है ए आंसर है, जो कि है 7:8। 85वां सवाल है, ए एक कामगार के रूप में बी से दोगुना अच्छा कार्यकुशल है तथा एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, तो इसका जवाब है बी, यानी कि 54 दिन। सवाल नंबर 86 है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, निम्न में से कौन सा मान कक्षा में कुल विद्यार्थियों का कभी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ए, यानी कि 40। सवाल नंबर 87 है, यदि राहुल धारा के विरुद्ध दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे के नाव खेता है तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर 3 घंटे में खेता है तो धारा की रफ्तार क्या है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल नंबर 88 है, कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और सवाल नंबर 89 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका जवाब है डी, यानी कि ओआरटा। और 90वां सवाल है, डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो इसका जवाब है ए, यानी कि ओस्मोसिस। सवाल नंबर 91 है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान है, मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल क्या है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। सवाल नंबर 92 है, कौन सा आरोही क्रम में है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। सवाल नंबर 93, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है ए, यानी कि 47.95। सवाल नंबर 94, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, इसका आंसर है ए, यानी कि राइबोसोम्स। सवाल नंबर 95 है, वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के 2 सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है, तो इसका जवाब है ए, यानी कि समांतर में। सवाल नंबर 96 है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, इसका आंसर है ए, यानी कि ऑक्सीजन। सवाल नंबर 97 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जवाब है इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं आया है, पर अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो इसका जो इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल होता है। सवाल नंबर 98 है, स्विमिंग पूल यानी कि तरण ताल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि क्लोरीन। सवाल नंबर 99 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, इसका जवाब है ए, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर। सवाल नंबर 60 है, सवाल नंबर 100,
तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका जवाब है डीएन के प्रकाश के अपवर्तन। तो दोस्तों ये थे आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC कलर का जो पेपर है जो कि 11 दिसंबर 2016 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन इस वेबसाइट के माध्यम से बता दिए हैं, और अगर आपको इन सवालों के जवाब में किसी सवाल का जवाब है उसमें प्रॉब्लम लगी हो, या फिर आपको लगा हो कि मैंने आपको उसका गलत आंसर बताया, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको करेक्ट कर सकते हो। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जो भी सवाल है वो बिना गाली के दीजिएगा, यानी कि गाली का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आप गाली का प्रयोग नहीं करोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, पर अगर आप गाली का उपयोग करोगे किसी भी कमेंट में तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप आगे किसी भी वीडियो पर कमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी बात रखनी है बिना गाली के रखिए, उसका आपको आंसर भी मिलेगा, और अगर मेरी गलती है तो मैं आपको वहां पर सॉरी भी बोल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।